इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेसिडस टीथ यानी कि प्राइमरी टीथ यानी कि मिल्क टीथ बच्चों में कब गिरना शुरू होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 10 टीथ अपर जॉ में होते हैं और 10 मिल्क टीथ लोअर जॉ में होते हैं। तो मिल्क टीथ हमेशा गिरते हैं, लेकिन सबका टाइम अलग होता है गिरने का, सब अपनी एज के अकॉर्डिंग गिरते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दांत गिरता है बच्चों में वो 6 से 7 साल की उम्र में गिरता है, जिसको हम नीचे का सामने वाला दांत यानी कि लोअर सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं। ये 6 से 7 साल की उम्र में बच्चों में सबसे पहले गिरता है। अब इसके बाद ऊपर का सामने वाला दांत यानी कि अपर सेंट्रल इंसाइजर भी 6 से 7 साल की उम्र में बच्चों में गिर जाता है। अब जो गिरता है इसके बाद दांत वो है ऊपर का दूसरे नंबर का दांत यानी कि अपर लैटरल इंसाइजर, जो कि 7 से 8 साल की उम्र में बच्चों में गिर जाता है। अब इसके बाद नीचे का दूसरे नंबर का दांत सामने का, जो कि हम बोलते हैं लोअर लैटरल इंसाइजर, जो कि 7 से 8 साल की उम्र में गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं नीचे के और ऊपर के 4-4 दांत सामने के 7 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो है दाढ़ का, वो भी पहली दाढ़ ऊपर वाली यानी कि अपर फर्स्ट मोलर, जो कि 9 से 11 साल की उम्र में बच्चों में गिरता है। अब इसी तरीके से बच्चों में नीचे की पहली दाढ़ वो भी 9 से 11 साल की उम्र में गिरती है, यानी कि लोअर फर्स्ट मोलर 9 से 11 साल की उम्र में बच्चों में गिरते हैं। तो अब इसके बाद बच्चों में नीचे के तीसरे नंबर के दांत सामने के यानी कि लोअर कैनाइन 9 से 12 साल की उम्र में गिरते हैं। और उसके बाद गिरता है ऊपर का सामने का तीसरे नंबर के दांत यानी कि अपर कैनाइन, जो कि 10 से 12 साल की उम्र में गिरते हैं। इसके बाद ऊपर की दूसरी दाढ़ यानी कि अपर सेकंड मोलर, वो भी 10 से 12 साल की उम्र में गिरते हैं। और ऐसे ही जो सबसे लास्ट में जो दांत गिरता है वो होती है दूसरी दाढ़ यानी कि लोअर सेकंड मोलर, नीचे की दूसरी दाढ़, वो भी 10 से 12 साल की उम्र में गिरती है। तो लगभग सारे दांत बच्चों में 10 से 12 साल की उम्र में गिर जाते हैं। तो हर दांत अलग अलग गिरता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।